गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 का पाठ नंबर 4। कक्षा 8 का पाठ नंबर 4 क्या है? शब्द रचना। कक्षा 8 का पाठ नंबर 4 है शब्द रचना। शब्दों का निर्माण क्या है? शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जा सकता है। मूल शब्दों में कुछ शब्दांशों को जोड़कर बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे सुंदर हमने लिखा तो उससे हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो सुंदर से क्या बनाया? सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरी। वैसे ही मान शब्द है, मान से क्या बनाया? अपमान, सम्मान। तो क्या है? तो इस प्रकार से क्या है कि शब्दों का निर्माण चार प्रकार से होता है। तो वो चार प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला उपसर्ग। नंबर 2 पॉइंट क्या है? प्रत्यय। नंबर 3 पॉइंट क्या है? संधि। और नंबर 4 पॉइंट समास। तो क्या है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है उपसर्ग, हम उपसर्ग को लेंगे कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वे शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहा? वे शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर। तो आरंभ में जुड़कर उसके किस में परिवर्तन लाते हैं? उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब कैसे लिखोगे? माना मेरे पास चौक है, मैं आपको उदाहरण लिख के दिखाती हूँ। माना क्या है? माना देखो क्या है, हमने जीवन लिखा। ये क्या है? ये मूल शब्द है बच्चों। जीवन क्या है? मूल शब्द है। हमने उपसर्ग लगाया, हमने आ लगाया, तो ये क्या बन गया? आजीवन बन गया। इसमें मैंने क्या लगाया? क्या लगाया? आ लगाया। तो क्या बन गया? ये आजीवन बन गया।